क्रैश है वही चल चल क्रैश है वही चौदह ही जाने काम पायलट पायलट दूर पैर के कूदने की कोशिश करिए कौन ये कूदे क्या तो भाई कछु बचे हुए हुए बचे कूद के भगे दो जने बस पूरे जाने में दो ही आदमी है दो ही वो बाको एयरपोर्ट सारे को तो ऐसे का तो भैया कुछ सिखा रहा हो कुछ क्या हुआ भाई गांव में तो बलदा खाता है रोज नाच रहा हूँ अभी पहुंच रहा है ये तो जरूरी है भाई न्यूज में भी आएगा तो हम लोग मतलब इसको शेयर कर रहे हैं मतलब ये वीडियो बना रहे हैं तो हम लोग वही काम कर रहे हैं हम लोग वही काम कर रहे हैं छोटे इसमें दिक्कत क्या है तेज रहो कूद बच्चे को फौजी बच्चे को चलाओ बच्चे को जाद करो जाद करो आजा जल्दी बचा रहे बच्चा जल्दी वो पजरे को फौजी आ जाए पकड़ो बचाओ आराम से भैया कोई बात नहीं भैया आ जाओ बच्चे के बंदे आ जाओ बच्चा आराम से ले लो पायलट भैया आ जाओ बढ़िया भी आ जाओ कोई बढ़िया आ जाओ कोई बात नहीं प्रधान जी को बुलवा दो प्रधान जी बुला लीजिए।
महेश गांव था बगासन का है और जो जो साढ़े चार पौने पाँच लगभग टाइम था तो जो ऊपर जो विमान तो आवाज आई हुई थी और उसमें से घूमता हुआ ऊपर से जो विमान आया था घूमता हुआ धरती पर आया था और जहाँ जो बंद गांव वाले यहाँ पर आए तो उस जगह पर जो धूप में जलता हुआ ही पाया था। हाँ गिरते हुए जमीन पर आते ही आग लगी। कोई नहीं था, पायलट 250 मीटर की दूरी पर पास हुआ था, सब कुशल नीचे हुए जा रहा था पैराशूट द्वारा। हाँ रिहायशी इलाके पास है, 100 मीटर दूर है। हाँ जी पायलट की सूझ बार के कारण यहाँ पर छोड़ा गया कि रिहायशी इलाका 100 मीटर दूर पड़ा है। बड़ा लगाया जा था, उसने बच गया। पायलट बहुत अच्छा था, पायलट ने सूझबूझ के काम किया। नहीं एक ही पायलट था, पायलट की समझदारी को देखते हुए उसने बहुत अच्छा काम किया। मौके पे तो वही है कि गांव को बचा दिया पायलट ने, गांव से दूर रहा, ये बहुत अच्छी खुशी की बात है, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। हाँ पूरा प्रशासन आया, प्रधान जी आए, प्रधान जी ने पूरा मतलब यहाँ पर देखा और यहाँ पर पूरा प्रशासन आया, उन्होंने फायर ब्रिगेड बुलाया और बजाया आपको अच्छा, और गांव वालों ने मदद किया, पायलट को हॉस्पिटल पहुँचाया, ईको से लेके गए थे।